मामला सामने आया है जिसमें मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के के साथ मंदिर में जाकर हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की, वहीं युवती ने वीडियो वायरल कर एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। इधर पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। बता दें कि मामला हाफिजगंज थाना क्षेत्र के रिठौरा कस्बे का है, जहां एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी की है। वहीं मंदिर में शादी के बाद लड़की ने एक वीडियो वायरल करके एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है, जिसमें लड़की ने कहा कि एसएसपी साहब, मैं बालिग हूं और मैंने अपनी मर्जी से पंकज शर्मा से शादी की है, कृपया मेरे पति और उनके दोस्तों को परेशान ना किया जाए। इधर पुलिस मामले की जांच में लगी है। वहीं एसएसपी रोहित सिंह ने बताया कि इस तरह के मामले में लड़का लड़की अलग अलग धर्मों के होते हैं, जिसमें मुकदमा दर्ज कर लड़की को कोर्ट में पेश किया जाता है। वहीं 164 के बयान दर्ज कराए जाते हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। लड़की का मामला है जिसमें दो अलग अलग समुदाय के प्रेमी प्रेमिका हैं, उनके द्वारा जाकर घर से भागकर शादी कर ली गई है और इसमें पुलिस के द्वारा छानबीन की गई है। तो जो लड़की है उसकी उम्र 29 साल पाई गई है और जो लड़का है उसकी उम्र 25 साल है और दोनों लड़की ने अपने एक वीडियो का बयान भी वायरल किया है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि स्वेच्छा से वो उसके साथ गई है। घर वालों की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें घर वालों के द्वारा अपनी लड़की पर ये आरोप लगाया गया कि वो घर से गहने और जेवरात लेकर भी गई है। इस पूरे संदर्भ में पुलिस के द्वारा चोरी की तहरीर, इसमें तहरीर प्राप्त होने पर चोरी का मुकदमा लिखा गया। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।